दोस्तों, आज हम स्टार पिज़्ज़ा बनाने की बहुत ही आसान विधि देखेंगे, जिसे हम बिना ईस्ट बनाएंगे। और ये इंस्टेंट बनता है, तो सबके लिए बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना स्टार पिज़्ज़ा। नमस्कार दोस्तों, धर्मीज किचन में आपका स्वागत है। स्टार पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे, और इसके लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम पनीर लिया है, जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब उसी में आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा कप उबले हुए स्वीट कॉर्न, 200 ग्राम श्रेडेड मोजरेला चीज, एक चीज स्लाइस, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून ओरिगेनो, नमक स्वादानुसार, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टेबलस्पून सैंडविच स्प्रेड ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास सैंडविच स्प्रेड नहीं है, तो आप पिज़्ज़ा सॉस या मेयोनीज भी ऐड कर सकते हो, और सब्जियों में आप ब्रोकली या ऑनियन भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ हमारा बहुत ही डिलीशियस स्टफिंग तैयार है। अब हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करेंगे, और इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, 2 बार आधी टीस्पून भरकर बेकिंग सोडा, यहाँ भी मैंने 2 बार आधी टीस्पून भरकर के बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और 2 बार आधी टीस्पून भरकर के नमक ऐड किया है, और इन सभी सामग्री को छान लेंगे। एक्चुअली मेरी 1 टीस्पून कहीं मिसप्लेस हो गई है, इसलिए मैंने 2 बार आधी टीस्पून भरकर के ऐड किया है। आप चाहे तो 1 टीस्पून का मेजरमेंट भी ले सकते हो। अब उसी में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, और यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है, दही भी ऐड करेंगे लेकिन थोड़ा सा बचाएंगे। अब थोड़ा सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि 1 कप दही में से 1/2 टेबलस्पून जितना दही बचा है, तो आटा लगाने में हमें 1 कप से थोड़ा सा कम दही लेना होगा। आटे को 2 से 3 मिनट मसलेंगे। अब 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे और फिर से थोड़ा सा मसलेंगे। तो यहाँ हमारा मसला हुआ आटा तैयार है, जिसे 2 समान भाग में बांट लेंगे। यहाँ हमने जितनी सामग्री ली है, उसमें से 2 पिज्ज़ा बनाया जा सकता है। अब बेकिंग ट्रे को तेल लगाकर चिकना करेंगे, और ओवन को भी 200 डिग्री सेल्सियस बेकिंग मोड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। जब तक ओवन प्रीहीट हो रहा है, तब तक हम पिज्ज़ा तैयार करेंगे। आटे का एक हिस्सा लेकर इस तरह से गोला बना लेंगे, और जहाँ पर पिज्ज़ा बेलना हो, वहाँ सूखा मैदा छिड़केंगे, और इस तरह से मोटी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे। रोटी को हम पराठा से थोड़ा सा मोटा रखेंगे। रोटी को 4 फोल्ड करेंगे, ताकि हमारा स्टार शेप अच्छा बने। अब चारों फोल्ड पर कट्स लगा देंगे। और इस तरह से बीच में भी कट्स लगा देंगे। यहाँ हम थोड़ी सी किनारे छोड़कर इस तरह से स्टफिंग की लाइन करेंगे, और ये जो कॉर्नर है, वहाँ पर उंगली से ही थोड़ा सा पानी स्प्रेड करेंगे, और इस तरह से किनारों पर चिपका देंगे। इसी तरह से बाकी की डिजाइन भी पूरी करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पिज़्ज़ा का अच्छा सा स्टार शेप आ गया है, जिसे तेल लगाई हुई बेकिंग ट्रे में निकाल लेंगे। और ज्यादा अच्छी डिजाइन बनाने के लिए बीच में से इस तरह से प्रेस करेंगे। अब इस पिज्जा को प्रीहीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा स्टार पिज्जा अच्छे से बेक हो गया है, जिसे बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे। अब जो चीज बाहर निकला है, उसे सभी बाजू से निकाल लेंगे, ताकि पिज्जा दिखने में अच्छा लगे, और टीन से भी पिज्जा को अलग कर लेंगे, जिसे डिश में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा बहुत ही डिलीशियस स्टार पिज्जा तैयार है। ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे, जिसे कट करके भी देख लेंगे। है ना दोस्तों, एकदम मजेदार।
पिज्ज़ा को गर्मा गर्म एंजॉय करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।